बोलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नम राज्यदू शिरानगर जन प्रीति पात्र श्री टी वि चानल मध्यम मुखातर ना तिलपड़े नम प्रतिभा फस्ट पॉइंट नान फस्ट पॉइंट हेल्ती नम शांतियुत प्रतिभाने याद समाज आगू धर्म के अब फस्ट आफ आल याद धर्म समाज केवल यारू नम मोहम्मद पैगंबर आगू इस्लाम धर्म बेहतर अवहलनकारी मतदा यति नरसिंहन सरस्वती केवल आतनकोस्कर नम प्रतिभा शांति मतलब नम भारत अंबेडकर संविधान प्रकार याद दी गलाटेलें शांतियुत नावे मुस्लिम बांधवर इवतु प्रतिभा ना मोन्े इन सब इनस्पेक्टर शिरानगर पोलिस ठानवर्गू मत दिन नम तहसीलदार शिरा तालूक दंडाधिकारी कचेरी होंगे ना मन पत्र को अब नानतनी अंत विषय मोहम्मद पैगंबर आगू इस्लाम धर्म बे अवहेलनकारी मतलब यति नरसिंहन स्वामीजी बंधन कोरी अपील स्वामी मेलकंड विषय के संबंधी यति नरसिंहन सरस्वती देवी मंदिर दासना यूपी ईत नम इस्लाम धर्म पवित्र खुरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे पदे अवाच्य शब्द निंदुवरे इडी भारत सहस्रारू कड़े एफ आई आर आगदूतन बंधिस शीघ्रवातन बंधी भारत संविधान अनुसार शिक्षे वी भारत कोम सौहार्द कापाड़े मूलक नूरारू सही संग्रह मुखातर तमली कड़क मनवी अंत ना सब इनस्पेक्टर साहेबरी मतलब तालूक दंडाधिकारी तहसीलदारवर्गू मन पत्र सल्सिदी नानु श्री टी वि जनप्रिय श्री टी वि इलेक्ट्रानिक माध्यम मुखातर ना कड़क सर्वधर्म नम आर कोटि कर्नाटक जनता मुंदू केकोती ना सहबावे बाड़ू वैविध्यली ऐक्यते नम भारत नम संविधान ना सामरस्य सर्वधर्म सहबाद सामरस्य ना जीवन समाज समाज दी धर्म धर्म जगे नाब भारत बहला अल्वा भाला नोड़ी नम अनेक समस्या आर्थिकते हिंजरित निरुद्योग बड़तन मूलभूत सौकर्य लाकडौन भाला ना होता इला हिम्मट मुदे बर ना धर्म धर्म प्रीति विश्वास हमु इंत इंतर बंदू इू धर्म धर्म मध्ये वो हूि हिंडबिटू नम्बर दयवू यार वीक्षण मातारो अन्यथा यारू तप भावसबार्दु इदे धर्म समाज बगे नम प्रतिभटने केवल यारू नम मोहम्मद पैगंबर बगे इस्लाम धर्म बगे अवहेलनकारी प्रचोदनकारी स्टेटमेंट को बगे नम शांतियुत प्रतिभटने दयविट्टु एल्ला जनगळु सहकरण माडबेकु इंतवर्गेल्ला नावु कठिन शिक्षे संविधान प्रकार कठिन शिक्षे कोट्रे मुंदे यारू इंत ओंदु स्टेप हेज्जे इडल्ल अंत नानु भाविसि नन्न एरडु मातुगळन्नु मुगस्ता आमले नम खादे मसीदी मौलाना अजरुद्दीन अवरुनु केलु मातार्तारे दयविट्टु अवर अनिसिकेगळन्नु तावु केळबेकु अंत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहबाब यहाँ लोग आज जो है शहर सिरा की सरजमीन पर तुमको डिस्ट्रिक्ट में जिस नहंजार ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की है और हिंदुस्तान के इत्तेहाद और मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है और चाहे जो भी वतन हो वो कभी झगड़े से फसाद से नहीं चलता। हर देश हर स्टेट चाहे मंत्री जो भी हो उसको चलाने वाला जो भी हो जब तक देश के अंदर वतन के अंदर मोहब्बत का पैगाम कायम नहीं रहेगा तब तक उस वतन के अंदर इखलास मोहब्बत और आपस में भाईचारगी और इत्तेहाद कायम नहीं रह सकता। लिहाजा आज हमारी अपील इस सरजमीन से यही की जा रही है, आज सिरा से आवाज़ उठाई जा रही है, इससे कबल हमसे पहले हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते में कोने कोने से आवाज़ उठाई गई है कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में और कुरान की शान में और हमारे रब की शान में गुस्ताखी कर रहा है उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हिंदुस्तान के हर कोने से पुकारा जा रहा है, लेकिन मालूम नहीं हमारे कवानीन क्या हैं,
जो शख्स मास्क लगाकर जमीन पर घूम रहा है उसे दंडे लगाकर मारा जा रहा है, लेकिन रसूल के खिलाफ जो बोल रहा है उसे जो है टेंशन में डालने की और उसे पकड़ने की जरूरत आज किसी के अंदर नहीं है। बस हम हिंदुस्तान के तमाम जिम्मेदार अहबाब से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारा मुद्दा देखा जाए, और जो भी शख्स हो वो धर्म से हमें मतलब नहीं, वो चाहे धर्म क्यों जो भी हो, मैं खुद कह रहा हूं ना, अगर चाहे अपने आप को मुसलमान कहने वाला हो वो भी अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है उसे भी पकड़कर फांसी दी जाए, उसे भी पकड़कर फांसी दे। हिंदुस्तान के मामले बहुत सारे उठे गए, पेट्रोल का मामला था हमने आवाज नहीं उठाई, गैस हम पर बहुत बुलंद ज्यादा कीमती कर दी गई हमने आवाज नहीं उठाई, बहुत सारे ऐसे मामला आए जिस पर हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि अगर गुस्ताखे रसूल कोई खड़ा हो जाए, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोल के मामले को बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे जो मामला हो हिंदुस्तान के अंदर उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो कसम खुदा की हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे सब की एक मांग है और वो मांग यही है कि उसको फांसी पर चढ़ाया जाए या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله